कहानी की शुरुआत होती है सन 1923 से, जहां दो बच्चे एक प्लेन में खेल रहे होते हैं, जिनमें एक का नाम रेफ होता है और दूसरा उसका बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों अपने खेल में ये समझ रहे होते हैं जैसे वो पहले जंग में हैं और जर्मन्स को मार रहे हैं। तभी यहाँ रेफ के दोस्त के डैड अपना प्लेन लेकर आते हैं। उनके जाने के बाद ये दोनों उस प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी खेल ही खेल में गलती से इनसे वो प्लेन चल पड़ता है और थोड़ा थोड़ा उड़ने लगता है। कुछ ही दूर जाने के बाद वो रुक जाता है। ये देख रेफ के दोस्त के डैड वहाँ आते हैं और अपने बच्चे को इस हरकत के लिए मारने लगते हैं। तब रेफ अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके डैड पर हमला कर देता है और कहता है, अंकल आप बहुत ही गंदे हैं, दुश्मनों की तरह, इन्हें जर्मन की तरह। इस पर उसके डैड कहते हैं, नहीं मैं जर्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं पहली जंग में जर्मन के खिलाफ लड़ा था। वो बहुत ही बुरा मंजर था, लाखों लोगों की जान चली गई। ये कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ रेफ का दोस्त उसे कहता है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरी हमेशा हिफाजत करते हो। वक्त गुजरता जाता है और हम देखते हैं सन 1941, ये वो वक्त था जब दूसरी जंग शुरू हुई थी। जर्मन ने यूरोप पर हमला कर दिया था, लेकिन अमेरिका अभी भी इस जंग में शामिल नहीं हुआ था। रेफ और उसका दोस्त अब बड़े हो चुके हैं, वो एयरफोर्स में पायलट हैं। रेफ को उनका मेजर बुलाता है और बताता है, ब्रिटिश ने तुम्हें एयरफोर्स में जंग में शामिल करने के लिए चुन लिया है, अब ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज नहीं तो कल हमें भी इस जंग में उतरना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पायलट की जरूरत होगी और ये मेरा फर्ज है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक सकता हूँ, लेकिन मैंने ये तुम पर छोड़ दिया है, तुम चाहो तो जा सकते हो। जिस पर रेफ बोलता है, सर अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। मेजर कहते हैं, अगर मैं होता तो मैं तो जाता ब्रिटेन के लिए। और अब रेफ भी जाने की तैयारियां करने लगता है। असल में जर्मन के लीडर ने लगातार यूरोप पर हमला करके उसे कमजोर कर दिया था, वो यूरोप पर हावी हो गया होता है, इसीलिए ब्रिटिश अमेरिका के पायलट्स की मदद चाहते हैं। अब जब रेफ के दोस्त को पता चलता है कि वो ब्रिटेन के लिए जंग में लड़ने जा रहा है, तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जानता है कि उस जंग में जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। तब उसे नाराज देखकर रेफ कहता है, मैं बहुत जल्द 25 का हो जाऊंगा और तब ये लोग मुझे बस फ्लाइट का टीचर ही बनाकर रख देंगे, लेकिन मैं एक फौजी बनना चाहता हूँ, एयरफोर्स के लिए लड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे दोस्त समझने की कोशिश करो, मुझे जाना ही होगा। जिसके बाद रेफ मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है, जो जंग में जाने से पहले होता है, जिसमें पूरे जिस्म को चेक किया जाता है ये देखने के लिए कि कहीं कोई मसला तो नहीं। इनमें नजर भी चेक की जाती है और इसी तरह के अलग अलग चेकअप। अब रेफ को एक ऐसा मसला था जिसमें उसे पढ़ने में मसला होता था, और जब उसकी बारी आती है नजर चेक करवाने की, तो वहाँ एक नर्स बैठी होती है जिसका नाम एवलिन होता है। वो समझ जाती है कि इसे पढ़ने में मसला है। वो बताती है कि हमें बहुत तेज नजर की जरूरत है, लेकिन तुम्हें ये मसला है इसलिए मैं तुम्हें पास नहीं कर सकती। रेफ बोलता है, मुझे सिर्फ पढ़ने में मसला है, उसके अलावा मेरी नजर इतनी तेज है कि तेज भागते हुए खरगोश पर भी निशाना लगा सकता हूँ। अब उसका जुनून और शौक देखकर वो उसे मेडिकल टेस्ट में पास कर देती है। अब रेफ पहले ही नजर में एवलिन को पसंद करने लगा था, वो इस बारे में उसे बता ही देता है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक साथ बहुत सा वक्त गुजारते हैं। यह रेफ उसे बता देता है कि कल मैं जंग पर जा रहा हूँ और मैं लड़ूंगा ब्रिटेन की तरफ से। ये सुनकर एवलिन काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि अब से पहले उसे नहीं पता था कि वो जंग पर जाने वाला है। एवलिन कहती है, वो तुम्हें कैसे जबरदस्ती जंग पर अपने साथ ले जा सकते हैं। जिस पर रेफ कहता है, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं ले जा रहा, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो रुक जाता, मगर मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस वक्त का भी सब्री से इंतजार कर रहा था, मैं लड़ना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश एक फौजी बनने की है। जिसके बाद वो जंग पर चला जाता है। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं, आखिर कब तक हम ये ड्रामा करते रहे, झूठ बोलते रहे कि दूसरी जंग नहीं हो रही, जबकि वो तो शुरू भी हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि हम भी इस जंग में हिस्सा लें और अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद करें। लेकिन उनकी इस बात पर बाकी टीम राजी नहीं होती। वो लोग उनसे कहते हैं, दुश्मन जंग का सामान बना रहा है, जैसे टैंक्स और बॉम्ब्स, और हम क्या बना रहे हैं, फ्रिज। हमारे पास तो फिलहाल कोई भी तैयारी नहीं है जंग की, इसीलिए हम जाकर भी जंग में ना तो शामिल हो सकते हैं और ना पड़ोसी मुल्कों का साथ दे सकते हैं। उधर जापान अमेरिका से परेशान होता है, क्योंकि अमेरिका ने इन्हें तेल देना बंद कर दिया है। जापान को तेल की जरूरत है, क्योंकि इनके पास सिर्फ इतना ही तेल है जो ये सिर्फ 18 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जापान का लीडर कहता है, वो वक्त आ गया है, हमें अमेरिका पर हमला करना होगा और ये हमला हम अचानक करेंगे, हम उनकी नेवी पर हमला करके उनके जहाजों के ग्रुप को उड़ा देंगे और उस पूरी जगह जिसका नाम पर्ल हार्बर है उसे तबाह कर देंगे। उधर जंग में रेफ अपना प्लेन उड़ा रहा होता है, बहुत सारे दुश्मनों के जहाजों को वो मार भी गिराता है और साथ ही साथ एवलिन को खत भी लिखता रहता है। अब दोनों दूर होते हैं, इसीलिए उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। रेफ उसे ये भी बताता है कि यहाँ हर कदम पर खतरा है, परसों जिन दो पायलट्स के साथ मैंने खाना खाया था आज वे इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए हैं। और अब खतरा रेफ के सर पर भी मंडलाने लगता है। वो जब जंग के लिए जाता है तो दुश्मन उसके प्लेन पर भी बहुत सारी गोलियां मारते हैं, जिससे उसके प्लेन में आग लग जाती है, वो तबाह होने लगता है।
तबाह होने के बाद प्लेन समंदर में जाके गिरता है और कहीं खो जाता है, जिससे सब ये मान लेते हैं कि रेफ मर चुका है। एवलिन को खबर देने के लिए रेफ का दोस्त जाता है, क्योंकि जाने से पहले रेफ ने अपने दोस्त को ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये खबर जाकर तुम एवलिन को देना, ताकि उस मुश्किल वक्त में उसका दोस्त उसे संभाल ले और सहारा दे। उसकी मौत की खबर सुनकर एवलिन काफी टूट जाती है और दुखी होते हुए रोने लगती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो उसकी यादों को मिटाने लगती है, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे कहा था कि सब कुछ भुलाकर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ रेफ का दोस्त भी उसे पसंद करता है, वो उसकी जिंदगी में आना चाहता है, और क्योंकि एवलिन को भी आगे बढ़ना था इसलिए दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं और आखिरकार एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उधर जापान पर्ल हार्बर यानी अमेरिका पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। वो पर्ल हार्बर की सारी डिटेल्स यहाँ तक की तस्वीरें भी अपने पास इकट्ठा कर लेता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि पानी में कौन सा जहाज कहाँ है। और तो और अमेरिका का ध्यान भटकाने और उन्हें गुमराह करने के लिए वो उल्टे उल्टे मैसेजेस भी भेजता है। अब अमेरिकन मीटिंग में थे और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का तो पता था कि जापान कुछ ना कुछ तो कर रहा है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि वो पर्ल हार्बर पर हमला करने की तैयारी भी कर चुके हैं। फिर एक रात अचानक से एवलिन के सामने रेफ आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल रेफ, क्योंकि वो मरा नहीं था, अभी भी जिंदा था। उसे देख एवलिन काफी हैरान और जज्बाती हो जाती है। वो उसे कहती है, मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, क्योंकि मुझे ऐसी ही खबर मिली थी। रेफ कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा जहाज पानी में गिर गया था, लेकिन फिर मछुआरों के एक जहाज ने मेरी जान बचाई। वहाँ से बचाकर वो मुझे अपने मुल्क में ले गए। वहाँ से मैं तुमसे रابطہ नहीं कर सकता था, लेकिन एक एक पल मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुमसे मिलना चाहता था, और देखो वो वक्त आ ही गया, आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। और अब यहाँ एवलिन उसे बता ही देती है कि तुम्हारा दोस्त और मैं अब एक साथ है, यानी एक दूसरे को पसंद करती है। ये जानकर रेफ काफी दुखी हो जाता है। तभी यहाँ उसका दोस्त भी आ जाता है, लेकिन रेफ उससे बात नहीं करता, उसे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रात को रेफ के दोस्त उसके वापस आने की खुशी में जश्न मना रहे थे, तब यहाँ रेफ का दोस्त भी आ जाता है। यहाँ इन दोनों के बीच बहस होने लगती है, क्योंकि रेफ को ये लग रहा था कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ही धोखा किया। उसका दोस्त उसे काफी समझाने और मनाने की कोशिश करता है, देखो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी मौत की खबर सुनकर हम टूट गए और उस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन रेफ उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, उसे ये लग रहा था कि उसके दोस्त ने ही उसके पीठ पीछे गलत हरकत की। अब दोनों को ही गुस्सा आ जाता है, इसीलिए लड़ने लगते हैं। काफी देर बाद जब दोनों का गुस्सा ठंडा होता है तो वो एक साथ घड़ी में बैठकर बातें भी करते हैं। रेफ का दोस्त कहता है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, जिस पर वो कहता है, मेरा ख्याल है अब हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये कहने के बाद दोनों ही उस गाड़ी में सो जाते हैं। उधर बहुत सारे मैसेजेस आने की वजह से अमेरिका को पता चल गया था कि जापान हम पर हमला करने वाला है, लेकिन हमला वो कहां करेंगे ये पता नहीं होता। जापान का प्लान था कि वो सुबह सुबह अमेरिका के पर्ल हार्बर पर मौजूद जहाजों के ग्रुप पर हमला करके उसे तबाह कर देंगे और अमेरिका को सबक सिखा देंगे। इसीलिए वो अपने बहुत सारे प्लेन्स को पहाड़ों से भी नीचे उड़ाकर वहाँ लेकर आते हैं और देखते ही देखते पर्ल हार्बर पर हमला कर देते हैं। हमले में जापान अमेरिका के इस पर्ल हार्बर को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, क्योंकि ये हमला बहुत ही बड़ा था। सारे सूरत हाल को देखते हुए रेफ और उसका दोस्त अपने प्लेन तक आ जाते हैं। रेफ अपने दोस्त को कहता है, लड़ने के लिए मुझे अच्छे साथी की जरूरत है, तो मेरा साथ देना, मेरे साथ लड़ना, ओके। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ मिलकर जापान के जहाजों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जापान के टोटल 350 प्लेन्स थे, इसीलिए वो इन पर भारी पड़ रहे थे, और अब जापान के प्लेन्स रेफ के प्लेन का पीछा करने लगते हैं। लेकिन ये अपनी टीम के साथ मिलकर जापान के 29 प्लेन को मारकर गिरा देते हैं। अब इससे जापान को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका को बहुत पड़ता है, क्योंकि उनकी काफी तबाही हुई थी, वो सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए सब सदमे में होते हैं। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने लोगों से बात करते हैं कि इतने वक्त से हम ये दिखलावा करते रहे कि जापान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर दुश्मनी चल रही थी, इसीलिए वो वक्त आ गया है जब हम भी दूसरी जंग में उतरेंगे और मैं जापान के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। अब रेफ और उसके दोस्त को कर्नल का एक खुफिया मिशन जो जापान के खिलाफ था उसके लिए भेजा जा रहा था, लेकिन वहाँ जाने से पहले एवलिन रेफ के पास आती है और उसे बताती है, मैंने और तुम्हारे दोस्त ने शादी कर ली है और मैं माँ बनने वाली हूँ, मगर मैंने ये बात अभी तक उसे नहीं बताई, मैंने तुम्हारे साथ रहने का सोचा था, लेकिन देखो सब कुछ बदल गया। अब सारी सूरत हाल को देखते हुए रेफ उन दोनों को माफ कर देता है और अपने दोस्त को कहता है, तुम जंग पर मत जाओ, क्योंकि एवलिन एक बार पहले भी अपना प्यार खो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ दोबारा ऐसा हो, क्योंकि रेफ जानता है कि वो जिस मिशन पर जा रहे हैं वहाँ से वापस आना नामुमकिन है।
रेफ का दोस्त उसे कहता है, बचपन से तुमने मेरी हिफाजत की है, मेरा ख्याल रखा है, लेकिन अब नहीं, आज ऐसा मत करो, हम दोनों ही जाएंगे उस मिशन में। इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे पायलट्स थे। इन्हें बताया जाता है कि एक ऐसा मिशन है जिसमें आप सब टोक्यो पर हमला करेंगे जो जापान के बिल्कुल बीचों बीच है, और ये मिशन बहुत ही मुश्किल है, और हमारी नेवी हमें टोक्यो से कुछ मील दूर ले जाएगी, जिसके बाद हम वहाँ से प्लेन के जरिए आकर हमला करेंगे। और अब इनके मिशन का वो दिन आ ही जाता है जब ये पर्ल हार्बर पर हुए हमले का बदला लेंगे। रेफ कैप्टन से कहता है कि जापान ने हम पर 350 प्लेन से हमला किया था, जबकि हम तो सिर्फ 16 प्लेन से हमला कर रहे हैं, हमारे इतने छोटे से हमले का उन पर क्या फर्क पड़ेगा। कैप्टन जवाब देता है कि उन्होंने हम पर हथौड़े से हमला किया था, लेकिन अगर हम अपने इस छोटे से हमले में भी कामयाब रहते हैं तो ये सिर्फ एक कांटा होगा जो जापान को चुभ जाएगा। और हाँ, एक बात सब याद रखो, जीत उन्हीं को मिलती है जिन्हें उसका यकीन होता है। हम अमेरिका को इस जीत का यकीन दिलाएंगे। और अब बस ये जापान पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जहाँ इनके शिप्स थी, इन्हें जहाँ से इन्हें अपने प्लेन्स लेकर उड़ना था, वहाँ जापान के बहुत सारे शिप्स आ जाते हैं। और अब अगर ये यहाँ से जापान पर तो हमला कर देंगे, लेकिन उसे आगे चाइना तक नहीं पहुंच पाएंगे फ्यूल की वजह से। असल में इनका इरादा कुछ यूं होता है कि प्लेन से जापान पर हमला करके चाइना में उतर जाएंगे, लेकिन अगर ये इस जगह से उड़ेंगे तो चाइना तक पहुंचते पहुंचते इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। मगर इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता, और आखिरकार ये लोग अपने 16 के 16 प्लेन लेकर उड़ जाते हैं और जापान पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही अपने प्लान के मुताबिक जापान के शहर टोक्यो पर बमबारी करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से ये अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब चाइना तक पहुंचना इनके लिए नामुमकिन था। समंदर के ऊपर से इनके प्लेन उड़ना शुरू हो जाते हैं, और जिस बात का इनको डर था वही होता है, यानी इनका पेट्रोल खत्म हो रहा है। लेकिन तभी इन्हें जमीन दिखती है, और जैसे तैसे ये उस जगह उतरते हैं, लेकिन रेफ और उसके दोस्त का प्लेन उतरते उतरते ही तबाह हो जाता है, और यहाँ इन्हें बहुत सारे जापानीज का सामना करना पड़ता है। वो लोग रेफ के दोस्त को पकड़ कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। यहाँ इनके बीच गोलियों की बारिश हो रही होती है, हालांकि ये बहुत सारे जापानीज को मार गिराते हैं, लेकिन इसी बीच गोलियां लगने की वजह से रेफ का दोस्त बहुत जख्मी हो जाता है। गोद में लेकर रेफ उसे बता ही देता है कि तुम बाप बनने वाले हो। यह सुनकर उसे खुशी तो होती है, लेकिन उसे पता होता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। उसकी इतनी बुरी हालत होती है कि वो रेफ की गोद में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। फिर वो उसे कहता है, रेफ मेरे प्यारे दोस्त, अब से वो बच्चा तुम्हारा है। ये कहते ही वो अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाता है। अब आज से पहले अमेरिका को पता नहीं था कि जीत का जुनून क्या होता है, मगर अब के बाद में जीत का एक जज्बा पैदा हो जाता है, जिसके बाद सभी फौजी अपने मुल्क अमेरिका वापस आ जाते हैं। रेफ के दोस्त इन्हें अपने हस्बैंड की मौत की खबर जब एवलिन को मिलती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन कुछ चीजों को हम चाह कर भी नहीं रोक सकते, उन्हीं में से एक चीज मौत है। इन सभी फौजियों को काफी इज्जत दी जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क अमेरिका के लिए वो किया होता है जो कोई ना कर सकता हो। इसके बाद रेफ और एवलिन शादी कर लेते हैं। इनका एक बच्चा भी होता है जो रेफ के दोस्त का ही था। रेफ उस बच्चे को उसी प्लेन में ले जाता है जिसमें एक बार बचपन में वो अपने दोस्त के साथ गया था और वो गलती से चल पड़ा था। इसी तरह से इनकी जिंदगी चलती रहती है। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके जो जंग शुरू की थी, उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने पहले हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर बॉम्ब गिराए और इस जंग को खत्म किया। इस हमले में करीब 3.5 लाख तक लोग मारे गए, जिस वजह से जापान को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अमेरिका से सुलह कर ली। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।